अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज जनाब हमने आपको करवाना है रूम का टूर। रूम नंबर है 706, नो स्मोकिंग इनसाइड माना है। ये बाहर का ज़रा आपको व्यू थोड़ा सा दिखा दूँ, ये गैलरी का व्यू है, ठीक है। तो ये पूरे रूम ही रूम हैं, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त है ना, मज़ा आया ना। फिर इधर भी हैं आगे, अब आपको लिए चलते हैं अंदर अपने रूम में। सबसे पहले जनाब आपको ये एक किचन नज़र आता है, ये है किचन, ज़बरदस्त सा किचन है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे सिर्फ छोटी सी सिंगल सी फैमिली, उसके लिए ये ज़बरदस्त रूम है माशाल्लाह। और हमें जनाब उन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, कॉफ़ीज़, ठीक है। मैंने अभी ख़त्म भी किए हैं कुछ, इसके साथ मिल्क भी था, वाटर वाला मिल्क भी था। अब इसमें जनाब ये श्रीलंकन इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ये जनाब ज़बरदस्त सी टी है, मेड इन श्रीलंका। साथ में जनाब उन्होंने शुगर भी रख दी है, स्वीट लो गोल्ड। उसके बाद ब्राउन शुगर, ठीक है, ये देखो ये ब्राउन शुगर, और साथ में उन्होंने वाइट शुगर, ठीक है। उसके बाद जनाब नेस्कैफे रेड मग, पानी की बोतलें मैं उठा के उधर भी रखी हैं। ये आ गया टोस्टर, उसके बाद जनाब ये आ गई कैटल पानी गर्म करने के लिए, चाय शाय बनाने के लिए। उसके बाद जनाब अब ये डोर लॉक हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिक, देखिए खुद ही जनाब इसने लॉक हो जाना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद जनाब ये प्लेट है, ये ऑटोमेटिक प्लेट है, ठीक है। यहाँ से जनाब ये ऑन होती है एक, और ये दूसरी, ये छोटा और ये बड़ा। यहाँ इसके ऊपर जनाब ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, इसके ऊपर जनाब आप खाना बना सकते हैं। उसके बाद ये जो सिस्टम इन्होंने दिया हुआ ना, ये वाला, ये यहाँ से धुआं छुआ जो भी होगा ना, ये ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक बाहर। अब इसके अंदर और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं किचन के अंदर, आपको वो दिखाता हूँ, आप हैरान परेशान हो जाएंगे, सोचा भी नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ बर्तन दे दिए इन्होंने, ये सारे जनाब बर्तन इन्होंने रखे हैं यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पे खाना बनाना चाहते हैं और बना के खुद खाना चाहते हैं तो जनाब यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद ये देखें गिलास, जग, और साथ में एक ये आटा गूंदने के लिए कह लें आप, ऊपर वाला खाली है शायद। उसके बाद जनाब ये बॉश का ज़बरदस्त सा इन्होंने ओवन दे दिया, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, यहाँ से ऑन करें, ये देखिए इसके फंक्शन सारे खुल जाते हैं। उसके बाद अब इसको ओपन करने के लिए यहाँ कोई हैंडल नहीं दिया हुआ, आप हैरान परेशान हो जाएंगे, यहाँ पे कोई हैंडल शैंडल नहीं है किसी तरह का भी। यहाँ जनाब आपने क्या करना है, ये देखें खुल गया, ऑटोमेटिक खुलना है। और हमारे जो ओवन वगैरह होते हैं वो घूमते हैं, यहाँ अंदर प्लेट गोल सी पड़ी होती है, उसने घूमना है और उसके बाद जनाब आपका सालन वगैरह गर्म होना है। लेकिन इसने नहीं घूमना, इसने ऐसे ही आपने यहाँ पे चीज़ें रखनी है और इसने गर्म हो जाना है, ठीक है। उसके बाद इसको कर दिया बंद, जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगी यहाँ स्क्रीन के ऊपर टाइमिंग भी आ जाएगी, ओके। उसके बाद टाइमिंग चलती जाएगी, ये देखें कुकिंग टाइम हर चीज़, ये ऐसे कम होता चला जाएगा, यानी ये छोटी सी LED दी हुई है। उसके बाद यहाँ से ऑफ कर दें, जैसे ही आपका काम ख़त्म LED चलती रहेगी। अच्छा, उसके बाद आगे ये उन्होंने यहाँ पे बर्तन खाना बनाने के लिए भी दे दिए, कैसा है ना, ज़बरदस्त। उसके बाद अब मज़े की चीज़ आपको दिखाऊँ, अब ये देखने को कैबिन नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, ये कैबिन नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये देखें ये फ्रिज है, ये छोटा सा कमाल का फ्रिज इन्होंने दे दिया, नीट एंड क्लीन, ठीक है। सलाद हमारा बचा पड़ा है, ये फेंकना पड़ेगा, ठीक है जी। ये आ गया फ्रिज, यहाँ पे दराज में उन्होंने चीज़ें रखी हैं, क्या आप, ये ऑटोमेटिक बंद होते हैं दराज, ये देखें चम्मच वगैरह, ये वो सारी चीज़ें ऐसे छोड़ेंगे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये है कमाल। उसके बाद ये वॉशिंग मशीन आ गई, वॉशिंग मशीन उन्होंने ऐसे सेट की है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये देखें फुल्ली ऑटोमेटिक और न्यू जदीद, ठीक है, माशाल्लाह फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है। यहाँ पे ये सिंक आ गया, सिंक के नीचे बास्केट वगैरह उन्होंने रख दी, ये सिंक आ गया, ठीक है जी।
कमाल किस्म का सिंक माशाल्लाह, यानी कि सफाई डेली। मैंने थोड़ा सा गंद शंद डाला हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ें पड़ी थी। अच्छा, वॉशरूम का विज़िट आपको करवा देता हूँ, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, ये है सीट कमबोर्ड वगैरह, ये बास्केट रोल शोल टिशू के रखे हुए हैं। छत में जनाब एग्जॉस्ट लगे हुए हैं ऑटोमेटिक, ये सिस्टम लगा हुआ है फायर वाटर सिस्टम। उसके बाद ये चेक करें अकेले नहाने के लिए ये। उसके बाद यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं, डेली मैंने उठा के उधर अंदर रख दिया। उसके बाद छोटे टावल मुँह छू साफ़ करने के लिए, बड़े टावल मैंने एक इधर रख दिया। उसके बाद इधर जब दो बंदों ने नहाना है तो इसमें आप नहा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेहतरीन यानी निज़ाम है ये। उसके बाद जनाब ज़बरदस्त सा ये आपको बड़ा सा ये नज़र आ रहा है बेसन। ठीक है, और यहाँ पे भी जनाब ये बड़े सिस्टम हैं इनके अंदर, टूटियों के अंदर। ये आम टूटियाँ ये वाली नहीं है, इसको यहाँ से मूव करना होता है उसको भी। वैसे जो पहले पहले बंदा आता है उसको तो समझ ही नहीं आती कि ये कहाँ से ऑन करनी है। ठीक है, पहले आपको सीखना पड़ता है। लेकिन ये देखें सेंट्रल एसी का जनाब, यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ सिस्टम। ठीक है, ये एसी कंट्रोल करने के लिए बटन वगैरह लाइटों के सारे आ गए। उसके बाद जनाब ये टेबल, इसके ऊपर अब ये मेरा ही कचरा पड़ा होगा, जाए नमाज भी साथ में ये। उसके बाद लाइटें चेक करें, ये लाइटें लगी हुई हैं। मैंने कुछ लाइटें बंद की थी लेकिन अब मैं जलाता हूँ। ये बड़ा सा माशाल्लाह ये 50-60 इंच का टीवी है। ठीक है, एक लाइट इधर पड़ी हुई है, ये लाइट जला दी। ठीक है, यहाँ पे जनाब कपड़े वगैरह रखने के लिए बहुत बड़ी अलमारी वगैरह दी हुई है, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह। ठीक है, खाना खाने के लिए टेबल है, चेयर है, ये दराज है। ठीक है, इधर से खुलने खाली। ओके, यहाँ से जनाब ये बेड के अंदर भी लाइटें जनाब दी हुई हैं, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, बैठ के पढ़ना चाहते हैं कुछ भी। ये देखें पूरा निज़ाम है भाई, वी आई पी माशाल्लाह। वो सेंट्रल एसी का वो आगे सामने। उसके बाद नो स्मोकिंग रूम है। उसके बाद जनाब ये लगा हुआ ग्लोव सा। ठीक है, बेड की ये देखें बेड माशाल्लाह, डबल बेड और डेली बेस पे क्लीनिंग है। ठीक है, माशाल्लाह नीट एंड क्लीन, डेली बेस पे क्लीनिंग है। पानी की बोतलें वो पड़ी हैं, ये देखें। ठीक है, ये पानी की बोतलें में रखी हैं, टेलीफोन वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो आप मंगवा सकते। अच्छा, और ये बास्केट वगैरह होगी कचरे के लिए। इधर अंदर लॉकर इन्होंने रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई कीमती चीज़ है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये दराज वगैरह बने हुए इसके अंदर, अभी ये देखें बालों को खुश करने के लिए। ठीक है, बाकी खाली दराज है और ऑटोमेटिक बंद होते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे इसको ये देखें, ये भी बड़े कमाल की अलमारी है, हाँ खुद ही बंद। यहाँ पे जनाब मैंने अपना ये कचरा डाला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहिए ना। ठीक है, आप लोगों ने कुछ नहीं कहना। ये देखें, ये टीवी है, ये बैग शेक कंप्यूटर वाले। अच्छा, यानी ये भी दराज वगैरह दिए हुए सारे इन्होंने। नीचे कारपेट, ठीक है, जो बेड का एरिया है उसमें कारपेट। तो आप लोगों को कैसा लगा है आज का ये व्लॉग रूम टूर? मेरे ख्याल में कोई चीज़ बाकी रह नहीं गई, तो ये जनाब वापस जाने का रास्ता। तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को ये कैसा लगा रूम टूर। ठीक है, माशाल्लाह वीआईपी लगा ना, तो लाजमी अपनी राय का इजहार करना है। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। पूरा रूम टूर आपको मैंने दे दिया। ठीक है, और बाहर का व्यू तो मैंने दिखाया नहीं आपको, वो भी दिखा देता हूँ। ये विंडो है, ये पर्दा देखो यार, ये पर्दा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही कमाल किस्म का पर्दा लगा हुआ है। ठीक है, इधर का ये देखें बाहर का व्यू, ये खूबर कॉर्निश है। यहाँ जना व्यू चेक करें, माशाल्लाह है ना लग्जरी व्यू कमाल किस्म का। ये सारा जो एरिया है ना, ये सारा ही मैं कहता हूँ कोई हाई जेंट्री एरिया है। 5-7 स्टार होटल्स हैं यहाँ पे, पूरी लाइनें जो हैं वो यहाँ पे। ये जो एरिया है सारा नज़र आ रहा है आपको, नीचे रोड पार्किंग इशारा सिग्नल ये वो। और वो अभी तो अंधेरा हो गया ना,
वो जो है ना इससे आगे ये जो जगह बनी हुई ना इससे आगे ये सारा समुंदर है, इधर सारा आगे समुंदर ही समुंदर है। दिन को अगर नज़ारा आया ना तो एक क्लिप में उसका समुंदर का भी डाल दूंगा इसके अंदर ही वीडियो को। आप लोगों ने जनाब लाजमी बताना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। और मैं चूँकि यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट विज़िट के लिए आया था, मेरा एक काम था जिस वजह से कंपनी ने मुझे यहाँ पे भेजा, तो इसलिए तो मैं यहाँ पे आया शॉर्ट कंपनी यानी विज़िट के लिए। तो ये सारा सीन है जनाब, आप लोगों ने इसीलिए तो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने लाजमी जो है हमें बताना है कमेंट्स बॉक्स में, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। ओके जी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।